छो एंड वेलकम टू माय चैनल इन एंड ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आपको तो पता ही होगा कि ग्लिसरीन आपके स्किन के लिए हो या हेयर के लिए हो कितना कितना अच्छा होता है, राइट? और मुझे पता है कि आप बोलोगे कि मेरी तो नॉर्मल स्किन है, मेरी तो ड्राई स्किन है या मेरी तो ऑयली स्किन है। आप जो बताओगे वो कैसे सूट होगा हमें भला, राइट? और मुझे पता है कि हर एक की स्किन टोन और स्किन टाइप अलग होती है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग वे में बताऊंगी कि ऑयली स्किन के लिए मैं अलग चीज बताऊंगी, आपको ड्राई स्किन के लिए हो या पिंपल भरी स्किन के लिए, हर चीज के लिए मैं अलग बताऊंगी ग्लिसरीन के यूज, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से सूट हो और आपकी स्किन पे वो इफेक्टिव लगे, राइट? आपको कोई भी केमिस्ट स्टोर पे या मेडिकल में मिल जाएगी और वो भी सिर्फ 12 से 20 रुपए के बीच में आपको ग्लिसरीन की बॉटल इतने से मिल जाएगी। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बड़ी सी लाइक दे दीजिएगा, गंजोसी मत करिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ग्लिसरीन ले लेनी है। आपको 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन लेनी है और ये ड्राई स्किन आपकी है उसके लिए ये सोल्यूशन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा आपके लिए। और मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी क्योंकि एक अच्छा मॉइस्चर होने के लिए। और फिर आपको अच्छे से उसे मिक्स कर देना है। बस हो गया आपका ग्लिसरीन और मिल्क रेडी मॉइस्चर के लिए और ड्राई स्किन के लिए। और फिर ये आपकी ऑयली स्किन के लिए है, आपको ग्लिसरीन डाल देना है और कोई भी रोज़ वाटर आप ले सकते हो। और फिर उसमें मैंने उतने ही साइज़ का रोज़ वाटर डाल दिया है और अच्छे से उसे मिक्स कर दिया है। ये आपको नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और फिर अगर आपको पिंपल्स भरी स्किन है और आपको कुछ भी सूट नहीं होता है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी और ये दोनों को मिक्स कर देना है। आप कोई भी नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। सो वल्लाह। यूज़ करने वाली हूँ जो कि मैं फिर से एक कॉटन बॉल के हेल्प से अप्लाई कर दूंगी लाइक दिस। सी, लाइक दिस। और फिर मैं अच्छे से इसे फिर से डीपली मसाज दे दूंगी और आपकी स्किन इतनी इमीडिएटली सॉफ्ट हो जाएगी ना कि आपको लगेगा वाओ, ये मतलब अभी से ही वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो कितनी ग्लोइंग और शाइनी लग रही है मेरी स्किन, राइट? तो अब मैं इसके बाद में धो के आने के बाद मैं टोनर टाइप यूज करूंगी रोज वाटर और ग्लिसरीन को। ये एकदम पोर्स अगर आपके ओपन भी हो तो वो श्रिंक करने में और क्लोज करने में उसे हेल्प करता है, राइट? फ्रेंड्स, मैं अच्छे से फेस अपना वॉश करके आ गई हूँ। नॉर्मल पानी से ही फेस, आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है लाइक दिस। रोज वाटर और इससे इसकी मदद से मैं अभी टोनिंग कर दूंगी ग्लिसरीन और रोज वाटर की मदद से, और ये मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप रात भर भी इसे अप्लाई करके ऐसे ही रख सकते हो और आप कोई भी रोज वाटर ले सकते हो और कोई भी ब्रांड का ग्लिसरीन ले सकते हो। सी, इससे आपकी स्किन इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट और इतनी शाइनी और ग्लोई और नेचुरल ग्लो आएगा कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। और इसे आपको रोज रात को अप्लाई करके सो जाना है तो और अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। और ऐसे नेक पर भी अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, और शेयर करना तो बनता ही है आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों ही यूज कर सकते हैं, राइट? सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।